जी अच्छा, क्यों आवाज़ें दे रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। जो बहन भाई हमें देश परदेश से देखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। जो बहन भाई हमारे अपने पाकिस्तान से देखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। तो ऐशा को नहला के हमने इसका बिस्तर बना दिया था। अभी मक्खियों के लिए इसके ऊपर वो हमने दिया हुआ है कपड़ा। तो अभी आवाज़ें भी दे रही थी क्योंकि इसकी तकरीबन सुबह से ना तबीयत ठीक नहीं है। एक तो इसको हमें पता नहीं चला, इस आँख के ऊपर भी कुछ लड़ गए। ये देखें, ये सारी मोटी हो गई। ये कैमरे में कम नज़र आ रही है, वैसे ये ना सूज गई है सारी। पता नहीं कोई चीज़ लड़ी है इसको, क्योंकि 2 दिन से ना हमारे पास बिजली का भी रोला है, बिजली भी नहीं है। और इसको ना आज कुछ दोपहर को ये दरख्तों के नीचे ना हमने चारपाई डाली हुई थी, और वहाँ से इसको कोई चीज़ लड़ गई है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। अभी ठंडा पानी भी लगाया इसके ऊपर, ये जो नलके का ठंडा ताज़ा पानी था ना उससे नहलाया। अल्लाह खैर करेगा, नहीं तो दवाई ले आते हैं ना थोड़ी देर तक, तो दवाई भी लगाएंगे। तो इधर जी हम बना रहे हैं पालक गोश्त, और ये पालक की कटिंग हो रही है। और रात के लिए हम बना रहे थे, ये आया था सब्ज़ी वाला, हमने ली थी पालक। कितने की ली थी? 100 रुपये। 100 रुपये की पालक ली थी हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाइयों को सलाम तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारे भाई हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश हैं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। स्नेक तो आपके साथ आज की वीडियो करते हैं। अगर जो मेरे बहन भाई देश परदेश देखने वाला था, उनसे अपना खास करम करे। जो बहन भाई बहनें जो हमारी देश परदेश से देखती हैं, अल्लाह ताला उन पे भी खास करम करे। आमीन। और अभी जो है ना मैं काट रही थी सब्जी, सब्जी जो है ना मैंने पालक ली है, और पालक की जो है ना सफाई पहले करना बहुत जरूरी होती है। पालक जो है ना अभी तो बहुत खराब आ रही है, बिल्कुल मच्छर कटी हुई है, जैसे कि कवा कोई चीज़ ने ना काटा हुआ है, उनके मच्छर जो बहुत पत्ते हैं ना ज़्यादा आ वो गया ना इस मौसम में, तो मच्छर से कटी हुई है सारी। कोई चीज़ है जो उससे ना काटती हुई है। तो मैंने कहा पहले इसकी कर लेती सफाई। आज जो है ना मैंने सारा पूरा दिन धोए कपड़े, तो कपड़े सपड़े धो के उधर बच्चों को साथ जाना लटाया था। फिर जो है ना जैसे ही अजान हुई, अजान के बाद जो है ना सबको लग गया है जोरदार झटका मिर्गी का ना, इसको भी मसला है तो ना, तो इसको भी वो दौरा टाइप लग गया, तो उसके बाद इसकी तबीयत ना बड़ी ख़राब हो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने इसको नलाया, इसके कपड़े चेंज किए, इसके कपड़े चेंज करवाए, गई दवाई पैनाडोल भी दी और एलर्जी की दवाई भी पैनाडोल दी। भी दिए ताकि इसको जो ना थोड़ा सा सुकून मिले और उससे जो ना ठीक हो जाए। फिर जो ना इसके पट्टों में वही मिर्गी की वजह से जो ना इसके पट्टों में बतन ही खिंचाव सब पड़ता खिंचाव है ना, पड़ता है, फिर इसको एलर्जी हो जाती है। फिर इसको दी एलर्जी की दवाई, बुखार की दवाई, ताकि इसको थोड़ा सुकून मिले, वरना पूरी रात ये नहीं सोएगी। पूरी रात ये झटके ऐसे लगते ही रहते हैं और झटके लगते पड़ती है, रहेंगे, आँखें इसकी खुली रहेंगी, ना पानी पी सकती है ना कुछ खा ना ही कुछ सकती। खा सकती है। तो चलो जी, अल्लाह ताला खैर करे। आमीन। तो अभी ये थोड़ी सी रहेगी पालक बाकी, तो बाकी का दिखाते हैं, बहन भाइयों से रूटीन शेयर करते हैं। ये देखें ना बहन भाइयों, ये इस तरह की ख़राब ज़्यादा निकलती है वैसे। ये चुन चुन के बीच में से निकालनी है, थोड़ी सी काटी है, और ये जैसे है इस तरह की, इस तरह के कुछ बेहतर भी हैं बीच में, बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मच्छर भी खाई। रात को ना इधर भी कोई चीज़ लड़ गई इसको। ये देखो, ये भी निशान है, ये भी निशान है, और भी निशान थे। पंखा है नहीं ना, तो कोई चीज़ आके काट गई। विशाल भी रोती रही है रात को, अमार भी रोता रहे, ये भी रोती रही है। हम खुद भी काम ही सोए हैं क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा था। गर्मी है ना, तो मच्छर गर्मी में, आप जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ज़्यादा आ जाता है मच्छर ना। मिलाद शरीफ भी आने वाला है, वैसे तो दिन शुरू है, तो ये झंडा भी लिया है और ये इसमें लगाना है सोटी के अंदर, फिर लगाते हैं ऊपर। चाचे को शौक है ना, ऐसी चीज़ें लेते हैं, और फिर नहीं वैसे लेने भी चाहिए क्योंकि मिलाद मनाना चाहिए। और ये लिया था झंडा, पहले का लिया हुआ था लेकिन रखा हुआ था हमने ना, तो अब ये चाचा लगा रहा है इसके अंदर। डालो डंडा, वो आता है इसके अंदर। कल से कुछ बेहतर
कह रही है तबीयत है, क्योंकि अभी भी दवाई दी है, गोलियां भी दी हैं, सिरप भी दी है, इनकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब रहने लग गई है। अल्लाह ताला खैर करे, हर किसी के लिए आसानियां पैदा करे अल्लाह ताला। आज इशाल के ऊपर फिर मुर्गे ने अटैक किया और इशाल इतनी रोई कि इतने मोटे मोटे आंसू उसके निकल आए हैं। इसने अटैक किया मुर्गे ने ना, इशाल के साथ इसकी नहीं बनती। इशाल को जहाँ भी देखता है अकेला ना, ये अटैक कर देता है उसके ऊपर। अब इसके ना नाखन बड़े बड़े हो गए हैं। तो ठीक हो जा इशाल, फिर इसको कहती है बाबा इसको ना वो करते हैं, ज़िब्बा करते हैं, इसकी बोटियाँ खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं इसके साथ। मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा होती है रेत, तो इस तरह ये धो लेते हैं। धो के फिर उबालने के लिए इसको हम डाल देंगे। चाचा और चाची भी ये मार के इसके साथ हैं, क्योंकि इस टाइम ये तंग कर रहे होते हैं और इसकी माँ खाना बना रही होती है, और फिर इनके साथ ये खेलते रहते हैं, बच्चे भी इनके साथ खेलते रहते हैं। इशाल भी अब भाग के आई है, पहले इधर झूले खाती रही है चाचा के साथ और अब ये इधर खेल रही है। माशाल्लाह, बाय बाय करो, बाय बाय। इनका बाय बाय है, हेलो जो है ना, इनका बाय बाय, हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, अच्छा इधर है जी, और ये इधर आ गए, वो उधर तंग कर रहे। अभी उबालने के लिए पालक को डाल देते हैं जी। ये लहसुन को देखो, हमने कहाँ टांग दी है। ये अमार और इशाल ख़राब कर रहे थे, हमने इधर टांग दिए, एक एक कर दिया, सारियाँ फाड़ियाँ तोड़ दी उन्होंने। काफ़ी प्यास, हाँ दो प्यास थे ना, एक प्यास था, एक था, एक गला हुआ, एक प्यास काफ़ी है। ये लहसुन भी है, लहसुन भी है भी इसमें, काफ़ी हो जाएगा, ये भी काफ़ी सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्याज भी कट गया और लहसुन भी छील लिया, दो टमाटर काफ़ी। इशाल ने आटा गूंदना है, इशाल कहती है मैं आटा गूंदती हूँ। अच्छा तो रोटी भी पकाओगी फिर, रोटी पकाओगी तो आटा भी गूंदोगी। अम्मी पहले गूंद ले फिर तुम गूंद लेना, तूने अलहदा गूंदना है। अच्छा तो फिर रोटी भी पकाओगी, तंदूर पे लगा लोगी रोटी। चलो जी, इस टाइम जी आटा गूंदा जा रहा है तो शाल कहती है मैंने भी गूंदना, तंग कर रही है शाल। इधर साथ साथ तू तंदूर की भी तैयारी हो रही है जी। हमारा जो नया वाला तंदूर लगाया है हमने, वो वाला उसमें वो छोटा है, उस पर रोटी दोबारा दो दफ़ा लगानी पड़ती है। तो इसमें ना ये हमने ली थी तंदूरी, वो जो तंदूर है ना बीच में, वो हमने 200 का लिया था, 200 का लिया था ना, ये जो बड़ी वाली है, ये हमने 200 का लिया था। और ये हमारे घर में ईंटें शीटें पड़ी थी, सीमेंट भी हमारे पास पड़ी हुई थी ना, तो आधा गट्टू था उसमें, रोड़े शोड़े थे, लेकिन वो हमने कूट कूट के ना तो गुजारा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह पक्की होगी, ताकि बारिश आर से ना इसको मसला ना बने। तो हमने कहा वैसे भी लेट हो गए आज, तो हमने कहा जल्दी से साथ तंदूर भी हो जाता है, इसको आधा घंटा 15 मिनट लग जाते हैं जलते जलते ना, तो इतनी देर में आटा भी गूंदा जाएगा। क्यों जी, आटा बन भी जाएगा, आटा बन जाएगा और साथ सालन भी बन जाएगा। ये जी अपने देखो क्या कर रही है, ऐसे ऐसे रोटी बना रही है, हालांकि ऐसे बनती नहीं है। ओ ना गिराई ना, आटा है उसके अंदर, और उसके अंदर लगाओ, और उसके अंदर करो, यूं यूं करो, सूखा करो उसके अंदर, पेड़ा बनाओ और उसके अंदर और लगाओ, खुशक आटा लगाओ ना ऐसे। ये रोटी सीख रही है माशाल्लाह। ये हमने पैप काट के ना, वो जो पैप पड़ा हुआ है ना हमारा, वो हरा वाला, वो हमने काटा है 1 फुट का, और इसको ये कहती थी ये कुछ ना कुछ मुझे दे ऐसे ऐसे करने के लिए, हमने ये काट के दिए इसको। कह रही है मैं मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाओ, मैं तंदूर पे रोटी ऐसी, 1 सेकंड इधर दिखाओ क्या कर रही हो।
रोटी तंदूरी पे रोटी लगा रही हो? बन जाएगी तो फिर मैं खाऊंगा, बना लोगी? चलो लगाओ। ये जीर आटे के साथ लगा रही है, शौक तो है इसको लेकिन इसके साथ ना हो नहीं रहा अभी इससे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा तंदूर भी गर्म हो रहा है, जला दिया हमने, ये हो जाएगा इतनी देर में। तो एक दिन इसकी अम्मी कह रही थी कि जाओ बर्तन धो के आओ, तो कहती है अम्मी मैं अभी छोटी हूँ, ऐसे कह रही थी ना? हाँ, अभी मैं छोटी हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो जाऊँ तो फिर करूँगी। फिर करूँगी माशाल्लाह। अभी 3 साल की, माशाल्लाह अभी नहीं हुई, 11वें महीने में 3 साल की हो जाएगी इंशाल्लाह। 11वें महीने की 15 तारीख को, या 11 तारीख या 15 तारीख को। कहती है फिर वीडियो बना। कहाँ लगाई रोटी? वो रोटी लग गई है जी, अभी कितनी देर में पकेगी? पक जाएगी फिर खाएंगे। ठीक है, ओके, पक गई है। ओके, गरम है रोटी? गरम है? ठंडी है? चलो खाएं फिर। आटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गूंद चुका है जी, तो अभी पालक उबल रही है, उबल गई होगी वैसे भी, तो इसको छानते हैं, फिर इसको कूटते हैं, फिर मसाला बनेगा, ऐसे ही है ना? इसकी रोटी और कौन कौन खाएगा? ये कौन कौन खाएगा? उमार की, मतलब तू बार की। अमार की, मेरी और किसकी है? मम्मी की। अम्मी की? ओके माशाल्लाह। ओके, ये कितने का मंगाया था? 100 रुपये। 100 रुपये का ये और 100 रुपये की पालक। गोश्त को धोया जा रहा है जी, क्योंकि इसके ऊपर चर्बी शर्बी होती है, और धो के वैसे भी पकाना चाहिए, धो सेहत के लिए, मेरे ख्याल है सेहत के लिए, पता नहीं वैसे किस तरह है, वैसे तो धोना चाहिए इसको। फोड़ की बात है ना, फोड़ यही हो सकता है, दूसरा तो महंगा है वैसे। पालक हमारी उबल गई है जी, इसको कूटोगी ना? हमने उबाल लिया, फिर चढ़ा दी ऊपर, इसमें तेल शेल डले गए हैं। गरम गरम कूट लेते हैं जी, इतनी देर में तेल गरम हो जाएगा है। इधर ऑयल डाल दी है, तेल है कि ऑयल है? ये शाल तुमसे ये पत्ते कह रही। अच्छा, ये न्याज बो है ना? घी गरम हो गए, अंधेरा भी होने लग गया, तो हमारे कैमरे का रिजल्ट भी इतना है, माजरत इसके लिए। और लाइट भी नहीं है। हाँ, नहीं तो ये बल्ब इधर लगाया हुआ था हमने ना, तो ये भी नहीं चलता पूरे। परसों हम बता रहे थे ना वीडियो में, परसों आइए 10 मिनट के लिए आइए, उसके बाद दोबारा फिर बड़ा मसला बन गया, ट्रांसफार्मर ही सड़ गया सर। आज तीसरा चौथा दिन है। हमारा तंदूर जी चल रहा है, नमक डाल लेते हैं, इतनी देर में ब्राउन अच्छी तरह हो जाएंगे प्याज। क्यों जी, इसमें चिकन डालना? डाल दो। लहसुन भी डाल दिया सर? अच्छी तरह बुनाई कर लेते हैं, फिर पालक डाल देंगे, ये पता नहीं टमाटर डालेंगे। टमाटर डालेंगे।
ये देखें बहन भाई, हमारा मुर्गा कहाँ चढ़ा हुआ है। ये रात को यहाँ बैठता है, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, अजाने दे रहा था अभी यहाँ पे। ये दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, रात को इधर ही रहता है। शाल रो रही है, शाल गिर गई है। क्या डाल रही माशाल्लाह जी, मिसालर। इशाल नीचे देखो, नीचे वो पड़ा है, पालक पड़ा हुआ है, ये देखो ध्यान करना। मिसाले डाल रहे हैं जी सारे, बीच में इशाल बड़ी गलत तरीके से गिर गई थी, चारपाई सर में इधर लगी है इसको ना। थोड़ा सा थोड़ा सा मम्मा ने डाला है ना बस। अब अमार भी रो रहे, सारे दोनों रोने लग गए, पहले खेलते रहे अब रोने लग गए। पालक डाल दी अब बीच में, पालक को मिक्स कर लेंगे और बुनाई करेंगे। इधर और भी पड़ी है, भी इतनी देर में डाल दी। इसकी अच्छी तरह 10-15 मिनट बुनाई करते हैं, फिर इसको रखते हैं। बन गई है, ये देखें जी हमारा पालक गोश्त तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी रोटी लगाने लगे, तंदूर के अंदर छट्टा छट्टा लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है ना। अभी आग जल रही है, अभी जल रही है और कितने लालो लाल हो गए। पानी के 2-4 छट्टे लगाएंगे ताकि इसको ना थोड़ा सा वो, इसका टेम्परेचर कम होए, ताकि वैसे तो बहुत गर्म है। वैसे इस तरह इसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं, कपड़े को ज़रा गीला सूखा करके ना यहाँ घुमाते हैं। ये अगर साइड बाजू की लग गई तो फिर समझो काम हो जाता है। अक्सर औरतों के ना ये बाजू जले होते हैं नींद की वजह से। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, पहला पेड़ा बनाते हैं। देर काफ़ी हो गई, अंधेरा और लाइट ऊपर से है नहीं, ये मैंने मोबाइल की लाइटें जलाई हुई हैं। माशाल्लाह पहली रोटी लग गई है। फौरन पकना शुरू हो गई है वैसे। माशाल्लाह तंदूर पे इसी तरह ना जलने में टाइम लगता है, लेकिन रोटी लगाने में और पकने में नहीं लगता इतना टाइम। इसमें 8 रोटियां लग जाएंगी और एक ही दफ़ा लग जाएंगी वैसे, उसके ऊपर 2 दफ़ा लगानी पड़ती है। ये देखें जी, एक रोटी तैयार हो गई, दूसरी भी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी हमारी पक गई जी माशाल्लाह, सारी रोटियां पक गई। अभी जी सालन डाल लेते हैं,
पहले बुजुर्गों का डाल लेते हैं। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल। अब जी खाना खा लेते हैं। भूख लग गई जी। ये कहते हैं अभी मुझे भूख नहीं है, तबीयत खराब है तो मैं नहीं खा सकती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला बहन भाइयों को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। सलामत रहें जी। अल्लाह हाफिज़।